बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बायोकेमिस्ट्री क्लास फॉर ग्रेड 8 एंड आई एम मिस एबिनसा, योर बायोकेमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड डू वेयर मास्क वेन एवर यू लीव योर होम। मास्क ख़ुद भी पहने और दूसरों को भी पहनने की हदायत करें। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक इज़ सेल्डवियन। इन दिस वी हैव डन द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्डवियन, एक्चुअली व्हाट इज सेल्डवियन। देन वी डिड द टू टाइप ऑफ सेल्डवियन, दैट आर माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल्डवियन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देन वी डिड द मियोसिस, दैट इज अ टाइप ऑफ सेल्डवियन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड into four daughter cell having the half number of chromosomes as were present in the parent cells. Mitosis takes place in all our body and somatic cells, body cells, and the meiosis takes place in the germline cells that are called gametes, male and female gametes. And so then we did the differences, as you can see here. These are the differences. You can learn this table. आप इस table को याद करेंगे और इसमें major differences है. Today our topic is heredity. Actually what happens as you see around yourself, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप ये अक्सर बात सुनते हैं कि parents, बच्चे जो हैं अपने parents के साथ मिलते हैं, किसी की जो है height मिलती है, कलर आई कलर है, स्किन कलर है, फ्री और डिटैच ईयर लोब्स हैं, यानी ये जो कान है इसमें अटैच या डिटैच ईयर लोब्स होते हैं। तो ये कैसे होता है? तो ये सारा प्रोसेस जिसमें हम ये समझते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या ऐसी कुछ खसूसियात हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में, तो उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स। सो द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। और जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इस प्रोसेस के तो हेरिडिटी कहते हैं। और जो करैक्टरिस्टिक जैसे कि कलर ऑफ आई है, स्किन कलर है, हेयर कलर है, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स हैं, हाइट है, इंटेलिजेंस है, वट एवर देयर इज़, आपके जो कोई भी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं that are transmitted from parents to offspring and are called hereditary। ये difference देखें कि heredity process है और जो characteristics हैं that are called hereditary characteristics, यानी जो parents से offspring में transmit हो सकती हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप खुद को देखें, अपने father को देखें, अपने mother को देखें, sister, brother, ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें जो है मदर के और फादर दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स की अगर आप चेक करें, आप एक पूरा टेबल बना सकते हैं। उसमें आप हेयर ले सकते हैं कि स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, आई कलर देख सकते हैं कि ब्लू, ब्राउन या ब्लैक है, या आप कॉम्प्लेक्शन देख सकते हैं, स्किन कॉम्प्लेक्शन जैसे फेयर है, लेस है, डार्क है, हाइट आप चेक कर सकते हैं, टॉल, मीडियम, शॉर्ट। तो ये पूरा आप एक जो है एक एक्टिविटी कर सकते हैं और पूरा आप टेबल बनाएं, अपने पेरेंट्स को देखें, अपने ब्रदर सिस्टर्स को देखें, मदर को देखें और देखें कि वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं या वेरी करते हैं। इट शुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। दिस इज़ गिवन ऑन योर बुक पेज नंबर 22। आप इसी तरह बना सकते हैं और ये आपने कॉलम फिल करना है, ये टेबल बनाना है। सो हम ये भी जानते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं उनमें बहुत से ऐसे फीचर होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो सब के सब हम अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते। कुछ हमारी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कुछ हमारे अपने करैक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, और इसी तरह बहन और भाई, ब्रदर और सिस्टर भी आपस में डिफरेंस शो करते हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, हैबिट्स मुख्तलिफ होती हैं, स्किन कलर भी मुख्तलिफ होता है, हेयर कलर भी मुख्तलिफ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे करैक्टरिस्टिक जो हैं पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करें, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो है डिफरेंस जो होता है मेम्बर्स में, किसी भी फैमिली के मेम्बर्स में या स्पीशी में, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। वेरी का मतलब है मुख्तलिफ होना, एक से दूसरे में करैक्टरिस्टिक्स का मुख्तलिफ होना। ट्रांसमिशन को कहते हैं
हेरिडिटी प्रोसेस जो है, और जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अनदर और पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड हेरिडिटरी करैक्टरिस्टिक्स। और जो वेरिएशन हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, हम बहन भाई आपस में मुख्तलिफ हैं, जो हमारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पेरेंट्स से मुख्तलिफ हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। और अगर तो ये वेरिएशन बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं, तो उससे क्या होता है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो जब इस दुनिया में आता है, या चाहे वो प्लांट में है, चाहे एनिमल्स में है, चाहे वो ह्यूमन में, अगर तो वो हेल्दी है तो वो अपनी इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर जाता है, और क्या है कि उसका चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर जाए। लेकिन अगर वो वीक है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सो वेरिएशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरिएशन शुड बी बेनिफिशियल। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।